ব্যবসায়ী দেশে অরাজকতা নাশকতা করছে ফ্যাসিস্ট এবং তাদের দোসররা। ये कहानी है इन्हीं तीन लड़कों की जिन्होंने शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने इन तीनों छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर टॉर्चर किया था, फिर इनसे जबरन वीडियो बनवाया गया जिसमें इन्होंने लोगों से आंदोलन को वापस लेने की अपील भी की। ये तीन छात्र नेता हैं नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। सबसे पहले बात नाहिद इस्लाम की। तारीख 21 जुलाई 2024, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल होने लगा। इस वीडियो में कुछ वर्दीधारी एक व्यक्ति को जबरन एक गाड़ी में बैठा रहे थे। वीडियो साबुसबाग इलाके का बताया गया। जाहिर था कि यह किसी की गिरफ्तारी का वीडियो है, पर वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं बल्कि इस समय बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र नेता नाहिद इस्लाम था। नाहिद इस्लाम, पहचान सिर पर बांग्लादेश का झंडा, प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा। नाहिद की पहचान उस आंदोलन के कोऑर्डिनेटर के तौर पर है जो सरकारी नौकरी में कोटे को लेकर शुरू हुआ था और जिसने धीरे धीरे शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बड़ा और हिंसक रूप ले लिया। 21 जुलाई को वीडियो वायरल होने से कुछ पहले पुरबा चेल्फ में एक पुल के नीचे नाहिद बेहोश पड़े मिले। वो बुरी तरह घायल थे जिससे जाहिर था कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है। फिर कैलेंडर पर 5 दिन बीते और आई 26 जुलाई 2024 की तारीख। इस दिन नाहिद अस्पताल में थे, अपना इलाज करा रहे थे, पर पुलिस अस्पताल पहुंची और नाहिद को फिर से उठा लिया। इस गिरफ्तारी के बाद 29 जुलाई को उन्हें स्टूडेंट से मिलने की इजाज़त दी गई। हालांकि इजाज़त से पहले फिर से एक वीडियो सामने आया। इसमें नाहिद लोगों से अपील कर रहे थे कि आंदोलन खत्म कर वापस जाएं, पर यह पूरा सच नहीं था। आरोप है कि पुलिस ने नाहिद और उनके साथियों से ज़बरदस्ती टॉर्चर कर ये वीडियो बनवाया था। 4 अगस्त को नाहिद का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा भी, आज हमने सिर्फ लाठी उठाई है लेकिन लाठी से काम नहीं बना तो हम बंदूक उठाने को भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री हसीना देश को सिविल वॉर की तरफ ले जा रही हैं। उन्हें खुद तय करना होगा कि वो पद छोड़ेंगी या पीएम बने रहने के लिए खून खराबे का सहारा लेंगी। इस बयान के अगले दिन नाहिद और उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। पीएम हसीना का विरोध इस कदर बढ़ा कि आखिरकार उन्होंने देश छोड़ दिया। 6 अगस्त को नाहिद का एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, मैं ये जीत उन स्टूडेंट्स को समर्पित करता हूँ जो इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं। अगला नाम अबू बकर। अबू बकर को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया, फिर 2 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अबू ने मीडिया से बात करते हुए बताया भी था कि पुलिस उन पर प्रोटेस्ट वापस लेने का प्रेशर बना रही थी। जब वो नहीं माने तो नाहिद और आसिफ के साथ उन्हें भी 26 जुलाई को पुलिस ने उठा लिया। आसिफ महमूद, अगला नाम। इन प्रोटेस्ट का दूसरा चेहरा थे नाहिद इस्लाम के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर पूरे समय उनका साथ देने वाले आसिफ महमूद। आसिफ उन लोगों में से हैं जिन्हें 26 जुलाई को नाहिद के साथ ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने उठाया था। जब आसिफ को गिरफ्तार किया गया तब वो नाहिद के साथ अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। उस समय पुलिस ने कहा था कि आसिफ की सुरक्षा को खतरा है इसलिए उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। जिस वीडियो में नाहिद इस्लाम लोगों से प्रोटेस्ट को खत्म करने की अपील कर रहे थे उस वीडियो में उनके साथ आसिफ भी थे। 5 अगस्त को शेख हसीना ने जब देश छोड़ा उसके बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया देने वाले में आसिफ महमूद भी थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंदोलन देश में गलत नीतियों के खिलाफ था, हम देश में मिलिट्री रूल के पक्ष में भी नहीं है। अबू बकर मजूमदार, इन प्रोटेस्ट में तीसरे लीडर का नाम अबू बकर मजूमदार है। अबू बकर मजूमदार ने नाहिद और आसिफ के साथ मिलकर प्रोटेस्ट को लीड किया। अबू बकर ढाका यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। हालिया प्रोटेस्ट में काफ़ी एक्टिव रहे। 26 जुलाई को अबू बकर को भी अस्पताल से ही उठाया गया था और दबाव डालकर वीडियो इनसे भी बनवाया गया। 5 जून को आरक्षण पर दिए फैसले के बाद बकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो ये वो तीनों स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस पूरे आंदोलन के बैकग्राउंड में देखा जा रहा है और उस बैकग्राउंड में भी देखा जा रहा है जिसके बूते आज बांग्लादेश में इतना बड़ा तख्ता पलट होने जा रहा है। खुद शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा और भारत में आकर उन्हें शरण लेनी पड़ी। तो ये तमाम चीज़ें, इन तीनों स्टूडेंट्स का नाम सबसे आगे आ रहा है जिनकी वजह से कुर्सी हिली शेख हसीना की और अब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं रही। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मामले पर अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। वो वीडियो भी जल्द से जल्द आपको लल्लन टॉप पर मिलेगा। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी मानस, कैमरे के पीछे आलिश, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।